हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बुक में एलिफेंट वाली स्टोरी देखी थी, राइट? एलिफेंट का जो वेट है वो हमने मेजर किया था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है हाउ मच द चेयर वेट्स। चेयर का वेट कितना होगा? अनामिका वांट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। हमें यहाँ पर जो चेयर की पिक्चर दी गई है उसका वेट कितना है वो अनामिका है वो जानना चाहती थी, और किसका यूज़ करना है, ये वाले वेटिंग मशीन का यूज़ करना है कि इसका यूज़ करके हमें ये चेयर का वेट कितना है वो मेज़र करना है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? क्या आप लोग ये करने के लिए कुछ सजेशन दे सकते हो कि ये वाले जो चेयर है उसका वेट हम ये वाले वेटिंग मशीन के ऊपर कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो पहले हमें क्या करना है कि हमें एक फ्लैट वुडन स्लैब लेना है, राइट? मतलब कि एक लकड़े का टुकड़ा, यहाँ पर वुडन का स्लैब लेना है, तो उसे हमें यहाँ पर वेटिंग मशीन ऊपर रखना है। यहाँ पर हम स्लैब रखेंगे, फिर उसका जो वेट है वो हमें यहाँ से मेज़र करना है। पहले जो स्लैब है उसका वेट यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे, राइट? फिर उसे रिकॉर्ड कर लेना, हमें लिख लेना है। फिर वो मशीन के ऊपर हम जो स्लेब रखेंगे उसके ऊपर ये वाली चेयर रखनी है, राइट? तो जब भी हम चेयर रखेंगे तभी यहाँ पर जो वेट है वो इंक्रीज होगा। तो चेयर रखी है तब जो वेट होगा वो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। और फिर क्या करना है कि चेयर वाला जो वेट है वो एंड जो वुडन वाला स्लेब है उसका जो हमने मेजरमेंट किया है उन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, और जो भी हमें डिफरेंस मिलेगा वो चेयर का वेट हमें मिल जाएगा। यस, पहले क्या करना है, स्लेब का वेट मेजर करना है, फिर स्लेब के ऊपर हमें चेयर रखनी है तो दोनों का वेट हमें मिलेगा, फिर हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना है कि जिससे हमें सिर्फ चेयर का जो वेट है वो पता चल जाएगा। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रोकन स्टोन्स। अब्दुल शेयर्स फायरवुड। अब्दुल है वो फायरवुड है वो बेचता है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 किलोग्राम। और वो जो स्टोन बेचता है उसमें एक स्टोन था कि जिसका वेट है वो कितना है, 13 किलोग्राम। देखो यहाँ पर अब्दू है वो फायरवुड है वो बेच रहा है और इसकी हेल्प से वो उसका वेट मेज़र करता है। ही यूज्ड इट टू वेट फायरवुड। वो फायरवुड का वेट मेज़र करने के लिए उसका यूज़ करता है। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस विच वेट 2 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम्स एंड 6 किलोग्राम्स। और एक दिन क्या हुआ कि स्टोन है वो नीचे गिर गया और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टूट गया, तो जिसमें हमें 3 पार्ट्स मिले, 2 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम्स एंड 6 किलोग्राम्स। देखो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यस, तो ऐसे 3 पार्ट्स हो गए उसके। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। पर अब्दू है वो बहुत ही स्मार्ट था। ही यूज्ड दोज 3 पीसेस टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 9 किलोग्राम। और उसने क्या किया, जो 3 पीसेस थे उसका यूज़ करके वो सभी फायरवुड है उसका वेट करता था। 1 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम तक सभी जो फायरवुड है उसका मेजरमेंट कर लेता था। हियर इज हाउ अब्दू वेटेड 1 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। वो 1 किलोग्राम फायरवुड का वेट है वो कैसे करता था वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। आह, द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 किलोग्राम। कैसे फाइंड किया, देखो यहाँ पर क्या किया उसने, जो एक पेन है वहाँ पर 1 किलोग्राम फायरवुड्स रखे, फिर यहाँ पर 5 किलोग्राम का जो स्टोन था वो रखा एंड यहाँ पर 6 किलोग्राम का स्टोन रखा, तो दोनों बैलेंस हो गए, 5 किलोग्राम वेट एंड 1 किलोग्राम फायरवुड एंड यहाँ पर 6 किलोग्राम, तो दोनों का वेट है वो बैलेंस हो गया। यस, तो ऐसे 1 किलोग्राम फायरवुड है वो मेज़र करता था वो। Now you show how Abdu will use these stone pieces to weigh। हमें यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं कि अब हमें दिखाना है कि Abdu है वो ये stones का use करके different kilogram के firewood है उसका measurement कैसे करता था। Yes, A वाला दिया गया है 4 किलोग्राम ऑफ फायरवुड, 4
4 किलोग्राम फायरवुड का वेट हमें करना है, उसे बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या किया है हमने, पहले तो 4 किलोग्राम फायरवुड रखा है, देन 2 किलोग्राम का स्टोन रख दिया है। यस, तो 4 प्लस 2 6 हो गए, 4 किलोग्राम फायरवुड एंड 2 किलोग्राम ऑफ स्टोन। देन यहाँ पर स्टोन ऑफ 6 किलोग्राम रख दिया, तो दोनों पेन में 6 किलोग्राम का वेट हो गया, वो बैलेंस हो गया। यस, देन बी इज 3 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। अभी 3 किलोग्राम फायरवुड का वेट करना है, तो यहाँ पर हमने 3 किलोग्राम ऑफ फायरवुड रखा है एंड यहाँ पर स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम, तो इसका टोटल कितना हुआ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। यस, देन यहाँ पर नेक्स्ट पेन में हम क्या रख देंगे, स्टोन ऑफ 5 किलोग्राम, तो दोनों पेन है वो बैलेंस हो गए। देन नंबर सी इज 7 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। अभी 7 किलोग्राम फायरवुड है, उसका बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हमने 7 किलोग्राम फायरवुड रखे हैं एंड यहाँ पर क्या किया है, स्टोन ऑफ 5 किलोग्राम प्लस स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम, तो दोनों पेन में 7 किलोग्राम वेट हो गया। यस, तो दोनों पेन है वो बैलेंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू ए पोस्ट ऑफिस? क्या आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, पोस्ट ऑफिस देखी है? यस, हम कभी ना कभी तो पोस्ट ऑफिस गए ही होंगे, राइट? देन नेक्स्ट वन इज व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? कौन सी चीज़ें करने के लिए लोग है वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर क्यों जाते हैं? टू पोस्ट द लेटर्स, देन टू परचेज पोस्ट कार्ड्स और स्टैम्प्स और इनलैंड लेटर्स, पार्सल करने के लिए, राइट, मनी ऑर्डर्स करने के लिए, बैंकिंग के लिए, पर ये सभी तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या लिखा है, टू पोस्ट लेटर्स, हमने शॉर्ट में ये लिख दिया है। देन नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कॉस्ट? एक पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 0.50, मतलब कि 1 रुपीज का हाफ। देन हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर जो होता है उसका कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 2.50, मतलब कि 5 रुपीज का हाफ। देखो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लेटर्स लिखा है, तो हमें जो भी लेटर्स है वो पोस्ट करने हैं वो इसमें हमें डाल देने। यहाँ पर पिन कोड भी लिखा है, तो पिन कोड हमें उसमें लिखना होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, पोस्टल रेट्स, हमें कुछ रेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर पोस्टल आइटम्स हैं एंड यहाँ पर पोस्टल रेट्स इन रुपीज। सिंगल पोस्ट कार्ड उसका कॉस्ट है 0.50 रुपीज़। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड इज ₹6, इनलैंड लेटर के ₹2.50। देन लेटर वेटिंग, मतलब कि वेट के हिसाब से जो हमें लेटर लेना है देना है वो 20 किलोग्राम और लेस, 20 किलोग्राम होगा या तो उससे कम होगा तो उसका रेट है ₹5। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम इज इक्वल टू ₹2, मतलब कि अगर हमें कोई भी जो वेट है उसमें अगर 20 ग्राम ऐड करना है तो उसका एक्स्ट्रा होगा ₹2। देन पार्सल वेटिंग 50 ग्राम और लेस, अगर पार्सल 50 ग्राम से कम होगा या तो 50 ग्राम होगा तो उसका है ₹5। एंड फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम उसका कॉस्ट है ₹3। तो ये जो हमें टेबल दिया गया है उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। हमें जो चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, उसमें पोस्टल के रेट्स देखने हैं और उसके ऊपर से इसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेटिंग 50 ग्राम। 50 ग्राम का लेटर जिसका वेट होगा तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा ₹9। वो कैसे, हमने टेबल में रेट्स देखे, ₹5 प्लस ₹2 प्लस ₹2। यस, तो उसके हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा ₹9। देन सेकंड वन इज आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई।
आकाश है वो अपनी फ्रेंड रानी को चेन्नई में जो मैथ मैजिक की टेक्स्ट बुक है वो सेंड करना चाहता है, पार्सल करना चाहता है। द बुक वेट्स 200 ग्राम। बुक का वेट कितना है? 200 ग्राम्स। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। और हमें इसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या देखना है? चार्ट। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? ₹14, क्योंकि हम क्या करेंगे? ₹5 + ₹3 + ₹3 + ₹3 इन सभी का एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें ₹14। क्वेश्चन नंबर 3 इज रीड द वेट शोन इन द पिक्चर। हमें जो पिक्चर में वेट दिखाए गए हैं वो हमें देखना है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। और हमें उसका जो वेट है वो फाइंड करना है। देखो ये पिक्चर हमें दिखाया गया है ना, हमें यहाँ पर उसका एरो भी दिखाया गया कि वेट कितना है, तो हमें उसका वेट फाइंड करना है। तो ये एरो है वो 200 और 250 के सेंटर में है। यस, तो उसका वेट कितना होगा? 225 ग्राम्स। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? ₹17। वो हमने कैसे फाइंड किया? ₹5 + ₹3 + ₹3 + ₹3 + ₹3, क्योंकि अगर हमें पार्सल करना है और 50 ग्राम्स पार्सल है तो उसका ₹5 है, और हम उसमें 50 ग्राम्स ऐड करते जाएंगे तो ₹3 है। यस, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर क्या किया है? 225 ग्राम्स है इसका वेट, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा ₹17। देन यहाँ पर क्या बोला है? पार्सल वेट इज इक्वल टू 225 ग्राम्स एंड कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू ₹17। तो यहाँ तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है, एंड वर्कबुक के जो मैं फोटोज भेजूंगी उसमें से वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी है।